प्लीज। देखिए मैं, मैं कहता हूँ कि हम बड़े के ऊपर बात कर रहे हैं ये घटना किसी भी तरीके से चाहे हम किसी भी पार्टी से किसी भी समुदाय से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये देश नहीं के लिए है। बड़े चिंता का विषय है हमें ये देखना पड़ेगा कि इन लोगों के पीछे कौन सी ताकत है कौन सी संस्था है कौन सा देश है अभी मैंने देखा आपने देखा वो लड़का कूद रहा था वो एक ट्रेंड ट्रेंड क्रिमिनल लग रहा है जिसको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है इतने बड़े बड़े बैरियर को कूद कर और बेंचों को कूद कर वहां जाके तो नहीं, 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 देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है कम से कम इस विषय के ऊपर हम सबको एक साथ एक आवाज में खड़े होना पड़ेगा ये बात भी तय है कि देश के अंदर एक सिक्योरिटी लैब्स हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का लैब्स हुआ और इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और देश के गृह मंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ेगा देश को और इस बात की देनी पड़ेगी कि आज के बाद ऐसी कोई घटना देश में नहीं होगी क्योंकि जब हमारी देश की संसद सुरक्षित नहीं है तो आम का, आम आदमी आदमी का का तो कोई ब, ब, बचाने वाला ही नहीं है जो हाईटेक संसद है जिसके अंदर इतनी हाईटेक सिक्योरिटी है वहां पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात है और देश के लिए बड़ी चिंता की बात है